मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। कुछ स्टार्स में एक खासियत है कि वो जब भी बात करते हैं बिल्कुल दो टूक करते हैं, फिर चाहे किसी को अच्छी लगे या फिर बुरी। हालांकि उनकी बातों में इतना सच होता है कि कभी कभी हजम भी करना मुश्किल हो जाता है। कंगना रनौत, अक्षय कुमार ऐसे ही कुछ स्टार्स हैं जो हमेशा दो टूक बात करते हैं। हाल ही में इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ा, रणबीर कपूर का। जी हाँ, रणबीर ने एक बयान दिया कि एक्टर्स सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, और उनके इस बयान के बाद सब ने उनकी जमकर तारीफ भी की कि कितना सच बोलते हैं रणबीर। लेकिन फिर एक और एक्टर सामने आए जो उनसे भी ज्यादा सच बोलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल बोस की। उन्होंने पूछा कि क्या रणबीर कपूर को 3 फ्लॉप फिल्मों के बाद कभी ऐसा लगा कि अब वो एक्टिंग नहीं कर पाएंगे या फिर वो एक्टिंग भूल जाएंगे। कभी जाकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पूछिए कि क्या उन्हें कभी अपनी एक्टिंग करियर को लेकर इनसिक्योरिटी फील हुई। डर कभी भी एक्टर को नहीं बल्कि स्टार को लगता है कि शायद फ्लॉप पर फ्लॉप देने के बाद उसका स्टारडम चला जाएगा। राहुल बोस के इस बयान में इतना सच था कि कोई रिएक्ट ही नहीं कर पाया। चलिए, जब बोल्ड बयान की बात चल ही रही है तो क्यों ना बॉलीवुड के कुछ ऐसे बोल्ड बयान का जिक्र किया जाए जिन्होंने सामने आते ही हंगामा बरपा दिया था। इनमें सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं रणबीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण का। जी हाँ, दीपिका पादुकोण ने रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद कहा था कि रणबीर कपूर को कॉन्डोम गाइड करना चाहिए क्योंकि उन्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है। बोल्ड बयान की बात की जाए तो सनी लियोन को कैसे भुलाया जा सकता है। सनी लियोन ना सिर्फ अपनी बोल्ड अदाओं के लिए जानी जाती हैं, बल्कि अपने बोल्ड बयानों से भी वो अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। सनी लियोन जब बॉलीवुड में आई थी तो उन्होंने ऐसा कहा था कि कोई भी हीरोइन अपने पति को मेरे साथ काम करने नहीं देना चाहती, लेकिन उन्होंने सारी स्टार पत्नियों को रिलैक्स करने को कहा था क्योंकि उनके पास उनका खुद का पति है। इसके बाद बात करते हैं अनुष्का शर्मा की। अनुष्का शर्मा बहुत ही बोल्ड एक्ट्रेस हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। वो जो भी कहती हैं दो टूक लहजे में कहती हैं, और इसीलिए उन्होंने एक बार साफ साफ कहा था कि अगर फिल्म में उनके लायक रोल नहीं होगा तो वो कोई भी बड़ा एक्टर हो वो फिल्म कतई नहीं करेंगी। साथ ही साथ अभय देओल के उस बयान को कैसे भूला जा सकता है जो उन्होंने एक रेड पर कमेंट करते हुए कहा था। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में आप सेक्स पर बात नहीं कर सकते पर लिंग की पूजा करते हैं। ऐसे ही बोल्ड बयानबाजों में नाम आता है नसीरुद्दीन शाह का, जो अक्सर अपने बोल्ड बयान की वजह से चर्चा में आ जाते हैं। एक बार उन्होंने बयान दिया था कि शाहरुख सलमान की फिल्म पर सीटी और ताली मारने वाले लोग मेरी फिल्म ना देखें, क्योंकि उनका मानना था कि देश में स्टार और एक्टर दो अलग चीजें होती हैं। वहीं अक्षय कुमार ने भी एक बार बयान दिया था कि जिस अवार्ड शो में मैं पीछे बैठा होता हूं आगे वाले को बधाई दे देता हूं क्योंकि अवार्ड पक्का उसी को मिलेगा। इतना ही नहीं, अक्षय ने ये भी साफ कहा था कि उन्हें अवार्ड शो वाले अप्रोच करते हैं परफॉर्म करने के लिए और बदले में अवार्ड देने के लिए। बात करें अगर करीना कपूर की तो बोल्ड बयान देने के मामले में करीना किसी से भी कम नहीं है। एक बार उनसे सवाल पूछा गया कि उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा एक्टर कौन लगता है, सलमान या फिर आमिर, तो उनका जवाब था कि सलमान को एक्टिंग कहाँ आती है, वो बिल्कुल अच्छे एक्टर नहीं है। हालांकि आमिर की तारीफ करते हुए करीना ने कहा था कि वो बेस्ट हैं और वो उनकी बहुत बड़ी फैन हैं। वहीं बहुत पहले शाहरुख और सलमान की लड़ाई के बाद जया बच्चन ने दिल खोल कर इंटरव्यू दिया था। हालांकि आज भी वो शाहरुख को अपने बेटे जैसा मानती हैं, लेकिन जया बच्चन हमेशा दो टूक लहजे में बात करती हैं। उन्होंने कहा था कि अगर शाहरुख ने ऐश्वर्या के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो मैं उसे वहीं थप्पड़ मारूंगी। तो वहीं कई सुपरहिट फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके संजय लीला भंसाली को एक बार आमिर खान ने उनकी ब्लैक देखकर कहा था कि फिल्म में किसी बच्चे को पढ़ाने का ये तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिल्म में जिस तरह एक बच्चे को पढ़ाने का तरीका दिखाया गया है वो बिल्कुल सही नहीं है। मैं बताऊंगा कि बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, और इसके बाद उन्होंने तारे जमीन पर बनाई थी। वहीं जब आमिर की बात हो ही रही है तो शाहरुख खान का भी जिक्र कर ही लेते हैं। शाहरुख खान पर हमेशा एक ही चीज करते रहने का इल्जाम लगता है। इस पर शाहरुख खान का जवाब था कि अगर मैं खुद को दोहराता हूँ तो भी बढ़िया है, इतिहास खुद को दोहराता है। वैसे भी जो कुछ नहीं करते वो कमाल कर जाते हैं। और सबसे आखिर में हम जिक्र करेंगे आशुतोष गोवारिकर का। जी हाँ,
जिस साल ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म जोधा अकबर रिलीज हुई थी, उसी साल रिलीज हुई थी प्रियंका चोपड़ा की फिल्म फैशन। और इन दोनों ही फिल्मों को अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था और अवार्ड गया प्रियंका चोपड़ा की झोली में। जब प्रियंका को ये अवार्ड दिया गया तो आशुतोष गोवारिकर का कहना था कि सॉरी प्रियंका, ऐश्वर्या के लिस्ट में होते हुए तुम्हें कैसे अवार्ड मिल गया पता नहीं। तो ये थे वो कुछ बोल्ड बयान जो अक्सर हमारी बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां दे देती हैं और एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर देती हैं। इन्हीं बोल्ड बयानों के जिक्र के बाद फिल्मी बीट की इस खास पेशकश में बस इतना ही।